नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र धनखड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अब्दुल हमीद जी के साथ में हैं और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रिग मशीन जिससे हम पाइलिंग करते हैं वो कैसे काम करती है। अब मैं हैंड ओवर करता हूं अब्दुल वाहिद जी को। नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल हमीद, रिग ऑपरेटर। आज हमारे सर धनखड़ साहब के साथ रिग मशीन के बारे में कुछ इंक्वायरी वो चाहते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ सबसे पहले हम अपना लीवर उठाते हैं, मशीन स्टार्ट करेंगे। मशीन स्टार्ट के बाद लीवर स्टार्ट उठाएंगे। लीवर उठाने के बाद फिर हम डिस्प्ले के पास जाएंगे, उसका मैनुअल को खोलेंगे। मैनुअल के बाद हम फर्स्ट वायर रोप खोलेंगे, उसके बाद ऑटो लेवल को खोल स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद केली उठाएंगे। केली उठाने के बाद हमारा जो प्रोसीजर रहता है बोर मारने का, उसको बोर मारेंगे हम लोग, नहीं तो पहले केसिंग बैठाते हैं। केसिंग बैठाने के बाद बोर स्टार्ट करते हैं। बोर स्टार्ट करने के बाद अगर बाय चांस कोई चीज़ फंक्शन में नहीं हो रहा है तो हम कंप्यूटर के अंदर जाते हैं और फर्स्ट वायर रोप देखते हैं, सेलेक्ट क्या है, सब चीज़ बारीकी से उसको देखते हैं। फिर बाद में उसको कंप्लीट देख लेते हैं कि कोई चीज़ फंक्शन तो चेंज नहीं हुआ। अगर मेरा इसमें फंक्शन अगर गलत भी होता है तो यहाँ पे हमारा सिग्नल बताने लगता है, तो सिग्नल को हम चेक करते हैं क्या है सिग्नल, क्या प्रॉब्लम है, तो उसके बाद मशीन को ऑपरेट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट काम हमारा रहता है कि मशीन देखें, मशीन क्या है, एरिया में कैसे है, किस हिसाब से मशीन लगा है, और अगर डेंजरस है तो हम मशीन को पीछे ले लें। और हमारा फर्स्ट काम वही रहता है, मशीन स्टार्ट करने से पहले एरिया चेक करना, और बैरिकेटिंग सबसे पहले होनी चाहिए, और स्विंग के एरिया में किसी को आने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और ये सब फीचर्स बताओ, क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर? इसमें अंदर ये वायर रोप का हो गया, मास फोल्डिंग का है सिस्टम, केली बार का है, डेप्थ मीटर इसी में रहता है, फिर स्विंग एरिया का रहता है। फिर हम जाएंगे इसके अंदर मेंटेनेंस का देखेंगे हमारा। देखिए दोस्तों, हम जो मशीन की बात कर रहे हैं, ये मेट का मशीन है ना? सैनी है, सैनी का मशीन है हमारा। और सैनी की मशीन के अंदर सब कुछ सारे के सारे फीचर हमें ऑटोमेटिक दिए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। ये पिन कहां कहां पे कौन कौन सी चीजें हैं उसके बारे में अब्दुल जी बताएंगे। ये पिन का है, जो हमारा अगर पिन ग्रीस नहीं हुआ रहेगा तो वो सिग्नल देना स्टार्ट कर देता है। तो हमारा काम रहता है कि सिग्नल देने से पहले उसको हम बढ़िया से ग्रीस कर ले। उसके बाद हम प्री प्रोडम में जाते हैं, जो भी हमारा डेप्थ का रहता है, कोई भी फंक्शन अगर गलत है तो उसके अंदर से जाके हम लोग उसको केयरफुल करते हैं। इसका पासवर्ड रहता है 12318। इसके बाद हम अंदर जाके पूरा चेक कर लेते हैं क्या है, कौन सा क्या है, किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, ये ऊपर आवर्स क्या दिखा रहा है? 4879। ये आवर्स है जितना चला है मशीन अभी तक। और ये 21 मिनट वो मिनट चला है। ओके, अच्छा, 4879 घंटे और 21 मिनट ये मशीन अभी तक चल चुका है। ओके, ये टाइम दिखा रहा है अभी, ये टाइम दिखा रहा है अभी, टाइम गलत है क्योंकि टाइम को हमको सेटिंग करना रहता है। टाइम की भी हम सेटिंग कर सकते हैं, तो हम टाइम सेटिंग यहाँ से करेंगे। ओके, अभी कितना बज रहा है? अभी 3:36 हो रहा है, 3:36 मिनट अभी हमारा टाइम ओके हो गया। वेरी गुड, ये देखिए आपने देखा कि हम लोग सारे के सारे सेटअप इसी के अंदर कर सकते हैं। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप सिलेक्शन कर सकते हैं। कौन सा लैंग्वेज? तो यहाँ पे ये चीन चाइनीज मशीन है, तो हाँ, इसका ये करते हैं। ओके, और ये फैक्टर इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर का क्या है, जैसे मशीन के बारे में, मशीन का पूरा डिटेल इसमें दिया है। आप इसको देख सकते हैं, कैमरे में विजिबल होगा ये, लगा दे। हाँ लगाइए, ये देखिए, ये फैक्ट्री सेटिंग्स है, फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या किस तरीके से रोटरी ड्रिलिंग रिग फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। पहला दूसरा सारे के सारे पॉइंट इसमें क्लियर है, आप आराम से उसको बैठ के पढ़ सकते हैं। और ये सिस्टम और इंट्रोडक्शन, ये क्या बता रहे हैं हमें? कौन सा सिस्टम इंट्रोडक्शन? वो उसी में रहता है, सिस्टम मशीन का पार्ट का है, जो मशीन के कौन से पार्ट का काम कर ये है? जो फोल्डिंग का हम लोग मारते हैं उसका वो पार्ट है सर। ये लीवर्स के बारे में जरा हमें कुछ बताएं कि कौन कौन से लीवर्स है, कैसे इसको यूज करते हैं। ये वाले लीवर में पेंडोग्राफ आगे होगा। ओके, और ये करके दिखाएंगे, एक छोटा सा डेमो दे रहे हैं हम आपको। आगे करेंगे तो ये आगे करेंगे मास्क। हाँ,
ओके, और अब इसको हम आगे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं। और ये देखिए आप पीछे कर रहे हो तो पीछे जा रहे हैं यहाँ से मस्ट। और इसी में लॉटरी है, लॉटरी ऊपर करेंगे उधर, ऊपर 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 थोड़ा ऊपर का स्क्रीन हमारा अभी गंदा है क्योंकि हम मिट्टी में काम कर रहे हैं, तो ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है। वेरी नाइस, आई होप आप लोग सब देख पा रहे हैं। और इसी में प्री फोल्ड है, प्री फोल्ड क्या है? प्री फोल्ड जैसे हम जमीन कटिंग कर रहे हैं मिट्टी, okay. तो ये मिट्टी कटिंग करता है। अच्छा, जरा करके दिखाइए, एक डेमो देखिए, अभी देखिए फ्री फ्लो देखिए, ये वहाँ पे बस ज्यादा नहीं, खाली घुमा के दिखा दीजिए ऐसे, ये ऐसे करेंगे फ्री फोल्ड, यहाँ पकड़ेंगे तो ये मिट्टी कटिंग। नाइस नाइस नाइस, वेरी गुड। ये देखिए यहाँ से हम लोग ऑपरेट करते हैं, फ्री फोल्ड चलता है, ये फ्री फोल्ड से मिट्टी कटिंग होगा। वेरी गुड वेरी गुड। फिर इधर से उल्टा घुमा के फिर हम लोग इसको इस हाथ में आएंगे। ओके, तो ये मेन लीवर का आपका काम यही है, आप रोटरी को सेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। यहाँ से हम लोग केली को वहाँ दिखाइए, ये देखिए वो केली ऊपर जा रहा है, ये दूसरे लेवर पे हम लोग अभी आ गए हैं, जहाँ से केले को हम लोग ऊपर नीचे कर और नीचे करते हैं। ओके ओके, और इसी में फर्स्ट विंच है और फर्स्ट सेकंड रोप है। हाँ यस, लेकिन बट उससे पहले यहाँ से लॉक खोलना रहता है। अच्छा, सेकंड रोप जाने के लिए यहाँ से खोलना पड़ेगा, यहाँ से आपको फंक्शन जो दिखा रहे हैं वहाँ से, उसके बाद हम दो नंबर में करेंगे। यहाँ से ऑटो लॉक है ये सिस्टम पूरा का पूरा, एक बार में एक ही चीज काम कर सकती है, फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग वहाँ दिखा देंगे, वहाँ से खुल जा रहा है। ओके, ये देखिए ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा कौन सा रोप है आपका? दो रोप, दो नंबर है ये, दो नंबर रोप आपका दिखा रहा है, इसको ऑक्सिलरी रोप भी बोलते हैं। ओके, आगे बताइए इन बाकी फीचर्स के बारे में। उसके बाद ये हमारा पेंडोग्राफ लॉटरी इसमें भी है, आगे पीछे लॉटरी, अगर लॉटरी में जाएंगे तो लॉटरी रहेगा और पेंडोग्राफ में जाएंगे तो पेंडोग्राफ होगा ये। ओके, रोटरी और पेंडोग्राफ दोनों ऑप्शन हमारे पास है। और ये हमारा ऑटोमेटिक लेवल है, इधर हमारा अगर हम चाहेंगे तो ऑटोमेटिक लेवल होगा यहाँ से, मशीन यहाँ से ऑटोमेटिक लेवल भी कर सकते हो। और ये है हमारा फोल्ड का सिस्टम। ओके, यहाँ से हम करेंगे तो दिखा दीजिए उधर, थोड़ा ये हम करेंगे तो फोल्ड हो जाएगा, यहाँ भी दिखा। ओके, यहाँ फोल्ड कर रहे हैं, ये फोल्ड कर रहे हैं, दबाएंगे तो हम लोग फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड हो जाएगा, नीचे जा रहा है मशीन। ओके, ऑटोमेटिक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। उसके बाद हम फिर इससे अगर मास्क को खड़ा कर रहे हैं तो इससे खड़ा हो जाएगा। ओके, मास्क को अगर ऊपर लेना है तो वापस ले सकते हैं। बट एक ऑप्शन वो भी है और एक ऑप्शन यहाँ से रहता है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, वो अपना लेवल आएगा तो लेवल हो जाएगा। ओके, वो ऑटोमेटिक लेवल है। उसके बाद यहाँ से भी हम कर सकते हैं मास फोल्ड, ये कैसे करेंगे? ये भी एक लीवर है। ओके, इसको दबा के हमको आगे पीछे करना है तो इसको कर सकते हैं हम लोग। ओके गुड, और एक अंदर से भी है, अभी सैनी वाले को एक और केबिन देगा। और एक फंक्शन और है इसमें, इधर से आता है, ये भी हमारा फोल्डिंग का सिस्टम है। ओके, यहाँ से भी हम फोल्ड कर सकते हैं, ये अभी खड़ा है, ये हमारा फोल्ड होगा। ओके, किसी तरह कैसे करेंगे? आराम आराम सो रहा है। ओके ओके, ये देखिए आप प्यार से हो रहा है, बड़ा स्लो स्पीड से हो रहा है। हाँ, शायद आपको विजिबल नहीं होगा, हम थोड़ा सा आरपीएम कम किए हैं इसके लिए। ओके, ये तो ये सब आपका पूरा का पूरा फंक्शन जो है आप यहाँ से अकेले डिस्प्ले से देख के कर सकते हैं। ये डिस्प्ले में दूसरा जो रोटरी दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है? ये किसका वायर रोप है, कौन सा है? ये फर्स्ट विंच, जो केली का फर्स्ट विंच हमारा है। ओके, वो है। ओके ओके, अंदर उसका ड्रम है, किसी किसी का मास्क में रहता है, जो छोटी मशीन है उसकी अंदर रहता है। देखिए ज्यादातर हम लोग जब बात कर रहे हैं आज यहाँ पे एक रिग मशीन का, पायल रिग मशीन का, और हमारे साहब ने हमें सब कुछ बता दिया ऑलमोस्ट, यहाँ पे सारे के सारे फीचर्स आप देख सकते हैं। ये वार्निंग दिया हुआ है, वार्निंग के बाद कुछ ये लुब्रिकेशन चार्ट है, कौन कौन सा चाइनीज लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी है, पूरा फंक्शन का यहाँ पे इसका पूरा फंक्शन दिया रहता है जो विजिबल है, चाहेंगे तो कर सकते हैं जो भी फंक्शन रहता है। बहुत अच्छी चीज है, एक सेफ्टी के लिहाज से इसके अंदर हम लोग ग्रीन टैग लगाते हैं, और ग्रीन टैग का मतलब होता है कि आपने इस मशीन को चेक कर लिया है और आपने इसको चेक करके पाया है कि ये सेटिस्फैक्ट्री है और आप इस पे काम कर सकते हैं, उसके लिए ये लगाया जाता है। आप देख सकते हैं 1/8 को ये हुआ और 30/8 को इसका एक्सपायरी है, और रिमार्क में ओके लिखा हुआ और जो कॉम्पिटेंट आदमी है उन्होंने इसको साइन किया है ताकि ये सेफ रहे। और ये 285 मशीन है सैनी। ओके, उसका पूरा मैनुअल दे दिया है, कितना गियर ऑयल चाहिए उसमें, कितना इंजन ऑयल पड़ता है, ठीक है। Okay. उसका फंक्शन भी दे दिया यहाँ पे, ये गियर ऑयल का फंक्शंस हैं, बाकी सब बता रहे हैं। और ये इमरजेंसी स्टॉप किस काम आता है? ये इमरजेंसी स्टॉप जैसे कोई आपातकालीन कुछ हो गया तो हम इसको ऑन करके बंद कर दें, बंद कर सकते हो सकती है। हाँ, हो सकती करके है। दिखाइए, ये देखिए बंद हो गया, आपको आवाज में फर्क पड़ा होगा। इसको नीचे किया और बंद कर दिया गया, और ऑन करना वापस तो यहीं से ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के लिए पहले हमें इमरजेंसी स्विच को
डिस्चार्ज करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग वापस अपनी मशीन से अपने चाबी से उसको इग्निशन की से उसको ऑन करेंगे। कर सर हाँ कीजिए। ये देखिए अभी हमारा इमरजेंसी स्टॉप अच्छे से हमने प्रेस नहीं किया है। ये देखिए बहुत सी लर्निंग्स है इसमें, जहां पे बंद हो रहा है ऑटोमेटिक ऑन हो रहा है, तभी आपका जो मशीन का जो पैनल है वो भी आपका ऑन हो रहा है उसके साथ में। और ये देखिए हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया थे, लीवर वो जो बंद कर दिए थे ना तो वो उठाएगा नहीं। अभी देखिए हो गया, ये देखिए ऑन हो गई मशीन। हां यहां से जब तक लीवर आप खड़ा रहेगी तो स्टार्ट नहीं होगी मशीन। ओके ओके गुड। तो आपने देखा मशीन के बारे में, ये इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये छोटा सा ऑप्शन यहाँ पे क्या, ये कांच का जो है ऊपर उठाने के लिए ओके, ये दो लीवर दे रखे हैं यहाँ पे, यहाँ से आप अनलॉक करके इसको इस पैनल को ऊपर करके ऊपर कर ले सकते हैं, आगे का देख सकते हैं हमको। और ये पीछे वो क्या है, ये ग्लास ब्रेक के लिए दिया हुआ आपको, इमरजेंसी आ जाए ग्लास ब्रेक कर सकते हो आप। साथ में आप देख सकते हैं सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर भी दिया हुआ है यहाँ पे। और इधर हमारा छोटे से कुछ और फंक्शंस बाकी है उनको, ये हमारा लाइट का है, ओके, ये हमारा वाइपर का है, और ये अंदर से पानी आता है साफ करने के लिए कांच है, और ये तीन एक्स्ट्रा दिया है बाय चांस अगर इसमें से कोई खराब होते हो इसमें हम डाल के काम कर सकते हैं। ये हमारा आरपीएम हो गया, आरपीएम घटा बढ़ा सकते हो स्टेटा के हिसाब से, जितना स्टेटा आपको ज्यादा मिलेगा उसके हिसाब से बढ़ा सकते। बराबर वेरी नाइस। और इधर हमारा एक दे दिया है एफएम के लिए, ओके, ऑपरेटर के मतलब बोरिंग महसूस ना हो इसके लिए, रेडियो भी है आपके पास में, वेरी नाइस, मतलब आप बैठे-बैठे एंटरटेनमेंट भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये हमारा मार्चिंग का हो गया, ये हमारा मार्चिंग के लिए पैडल्स हैं, दो पैडल्स हैं, इसको आगे पीछे करेंगे तो हम मार्च कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी हम मार्च नहीं करेंगे क्योंकि स्टेबल पोजीशन में है। और इसमें इस मशीन में एक एक्स्ट्रा ये दे दिया है फ्री फोल्डर, फ्री फोल्डर आप चाहिए तो हाथ से भी यूज कर रहे हैं, नहीं तो पैर से आप दबा के काम कर रहे हैं। ओके, नहीं तो यहाँ जो बटन है वो खराब हो सकते हैं ज्यादातर यूज की वजह से, उसके लिए नीचे भी एक प्रोविजन दिया गया है कि आप नीचे वाले पैडल को यूज करके भी काम कर सकते हैं। और इधर हमारा स्विंग दे दिया इधर इसी हाथ में, ओके, ये दोनों के दोनों स्विंग और ये दोनों हमारे हाथ पे है, हाथ में ही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मशीन के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं अब्दुल जी का, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से बताया, थैंक यू सो मच, आगे भी हम ऐसा ऐसा जानकारी लेने के लिए आपके पास आते रहेंगे, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।